क्या भारत न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है या कर सकता है या भारत को करना पड़ेगा न्यूक्लियर का मुद्दा दोबारा क्यों उठ रहा है उसके दो वजह हैं पहला हाल ही में जो नेशनल कांग्रेस हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की उसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यह कहा दैट चाइना विल मॉडर्नाइज इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल एंड ही इंटेंड्स टू बिल्ड एन आर्मी केपेबल ऑफ विनिंग वॉर्स और इस मीटिंग से कुछ दिन पहले एक और न्यूज आई थी दैट चाइना इज बिल्डिंग थ्री न्यूक्लियर साइलोज

एन जापान ऑलवेज सपोर्ट न्यूक्लियर डिस आर्माेंट नॉट आर्मा बट देर इज जापान एनपीटी का मेंबर तो है पर टीपीएनड का मेंबर नहीं है लेकिन टीपीएनड है क्या दो हजार सत्रह में यूनाइटेड नेशन ने एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किया था जो की एनपी टी से अलग है टीपीएनडब्ल्यू का मतलब है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन मतलब टोटल प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन और ना ही जापान ना ही इंडिया ना ही यूनाइटेड स्टेट इन तीनों में से किसी ने साइन नहीं किया है इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि जापान को भी चाइना के बढ़ते हुए न्यूक्लियर आर्सनल की चिंता तो है भारत दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करेगा या नहीं इसमें कुछ अड़चने हैं पहली अड़चन तो ये कि इंडिया की पॉलिसी रही है क्रेडिबल मिनिमम रिटर्न का और इंडिया ने खुद ही मॉरेटोरियम लगा रखा है ऑन ऑल फर्दर न्यूक्लियर टेस्टिंग और कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा दैट जापान विल इन्वेस्ट डॉल इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स नो क्रेडिबल मिनिमम डिटोरेंस तो समझ में आता है लेकिन इन्वेस्टमेंट और न्यूक्लियर टेस्टिंग में क्या रिलेशन है ना मोटे मोटे तौर पे इतना जान लेना चाहिए दैट कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट invest करता है पैसे से पैसा बनाने के लिए ना के पैसा डुबाने के लिए और दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वॉर जोन्स हैं वहां पे आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स दुनिया भर से बहुत कम आते हैं इन्वेस्टमेंट टोटल ही कम होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर होता है कि वो पैसा डूब जाएगा या पैसा वो निकाल नहीं पाएंगे और प्रॉफिट तो भूल ही जाओ ये तो ही अड़चन कि भारत के सामने अड़चन क्या है न्यूक्लियर टेस्टिंग पर पर एक पॉजिटिव साइन भी है कुछ दिन पहले भारत फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसे ये लोग इंफ्रेस अग्रीमेंट कहते हैं आई एन एफ आर यू एस और जैसा कि बहुत सारे न्यूज पेपर में रिपोर्ट किया गया था दैट इन्फ्रेस अग्रीमेंट वुड बी मोर एम्बिशियस देन दी ऑकस अग्रीमेंट विच वॉज अर्लियर साइंड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स यूके एंड ऑस्ट्रेलिया सो इन्फ्रस अग्रीमेंट और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा और भी ज्यादा एम्बिशियस होगा, होगा और खास करके न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस अगेंस्ट चाइना तो सारे चीजों को ध्यान में के ही भारत को अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में परिवर्तन करना चाहिए या न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी चाहिए चाहे वो ट्रेड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का मुद्दा हो चाहे वो लेजिटिमेट डिफेंस नीड्स हों पर चाइना के बढ़ते हुए न्यूक्लियर आर्सेनल हमेशा एक चिंता का विषय ही रहेंगे और उसके ऊपर से पाकिस्तान और चाइना वाला नेक्सस जो आ जाता है वो इंडिया के लिए हमेशा ही चिंता बना रहेगा तो सारे डायमेंशन को ध्यान में रख के ही भारत को कोई भी कदम उठाना चाहिए और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना चाहिए दैट एनपीटी और टीपीएनडब्ल्यू में क्या डिफरेंस है एनपीटी के मेंबर कौन कौन से है टीपीएनडब्ल्यू किस किस ने साइन किया है और किस किस ने नहीं साइन किया है